विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने मांगे नहीं माने जाने के विरोध में विश्वविद्यालय को 3 दिन के लिए बंद किया। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में गुरुवार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विहार विश्वविद्यालय और इससे संबंधित सभी कॉलेज में कर्मचारी 3 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने बिहार विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए हैं। वहीं इनके सामूहिक अवकाश पर जाने पर बिहार विश्वविद्यालय सहित अन्य कॉलेजों का कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारियों ने प्रमोशन समेत अन्य मांगों पर कई बार आश्वासन मिलने और उसे पूरा नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार दास ने कहा कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। 3 बार लिखित आश्वासन के बाद भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अपनी बात से मुकर गए हैं। आंदोलन की चेतावनी पर उन्हें आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जाता रहा, लेकिन काम नहीं होता है। अब लड़ाई आर पार की होगी। वहीं 22 से 24 सितंबर तक विश्वविद्यालय समेत सभी कॉलेज में कर्मचारियों ने एक साथ अवकाश पर चले जाने से छात्र और छात्राओं के नामांकन और परीक्षा फॉर्म भरने का कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठन और महाविद्यालय संगठन संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए 22 से लेकर के 24 तक अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी अंगीभूत महाविद्यालय हैं 4200 अंगीभूत महाविद्यालय में हमारे कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपको? हमारी मुख्य मांगे कर्मचारियों का पदोन्नति प्रमोशन, और ये वर्षों से लंबित है। 2021 में विश्वविद्यालय प्रशासन के सिर्फ एग्रीमेंट होकर के रह गया, आज तक हमारा उसका नोटिफिकेशन कर्मचारी का लाभ का जो पत्र होना चाहिए वो नहीं निकला। पुनः अगस्त में हमारी बातें होती है, एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता होता है, और हम लोगों से समय लिया जाता है कि आपका जो प्रमोशन का मामला है या अन्य मुद्दा है उसका क्रियान्वयन हम जो है सो 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच हम कर देंगे। लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उस पर किसी तरह का अमल नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर के पुनः हम लोगों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है, और जिसका ये आप देख रहे हैं कि 22 से लेकर के 24 तारीख तक हम लोगों ने सांकेतिक आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन का यदि जू नहीं रेंगता है, उनका वो हमारे बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमारे प्रमोशन से संबंधित या अन्य मामलों से संबंधित जो हमारी बातें हैं उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे और हो सकता है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएं। मोती झील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20 से 30% की विशेष छूट।